मौलाना हसन जफर नकवी साहब, आप इस ताल्लुक से क्या फरमाएंगे? लफ्जी बहस में अब अगर हम पढ़ेंगे तकलीद की, तो जितने भी अल्फाज हमारे यहाँ फिक्र में राइज हैं, खुद फिक्र तफक्को, तो उस हिसाब से तो फिर हमें अलग बहस करनी पड़ेगी। नहीं, देखना यह कि इस्तिलाहन तकलीद से हम क्या मुराद लेते हैं। लफ्जी बहस में जाएंगे तो अलकुलादा उससे निकला या अलकलादा, दोनों मादे उसके मौजूद है, गले में किसी को डालना। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे शरीयत के माने घाट के हैं, लेकिन क्या हम शरीयत में शरीयत के माने यही लेते हैं? एक अल्फाज में और मानी में, इस्तिलाही और लुगवी माने में एक मुनासिबत जरूर होती है। जैसे शरीयत के लुगवी और इस्तिलाही माने में मुनासिबत है, फिक्र का माना सोचना है, लेकिन हम जब इस्तिलाही माना लेते हैं तो क्या मुराद लेते हैं फिक्र से? फिक्र से दीन लेते हैं। इसी तरह देखिए, तकलीद का मैं जहां तक समझता हूँ, जो बात अभी निकल कर सामने आई है सबकी बहस में, कि एक चीज पर तो सबका इत्तेफाक है, ये फितरत है इंसानी कि 14 करोड़ आवाम हो या 14 अरब आबादी हो जाए, इसमें कुछ अफराद को मुकल्लद और कुछ को मुकल्लिद होना है जिंदगी किसी भी शोबे में, कोई भी शोबा हो, क्योंकि आप हर शोबे में न इज्तिहाद कर सकते हैं, ना हर शोबे के आप माहिर बन सकते हैं। ये एक बिल्कुल जबर नहीं है, ये कोई ऐसी बैत नहीं कि किसी का तौक आपने अपने गले में डाल लिया। नहीं, ये बिल्कुल एक फिक्री और इल्मी इर्तिका का मरहला है तकलीद। ये इंसानी फितरत है, मैं कर रहा हूँ, मैं इसको दलील देता हूँ कैसे। देखिए, इंसानी फितरत है कि जिस मैदान का वो माहिर नहीं होता, वो उससे रुजू करेगा जो उसका माहिर होता है। खुद जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया कि लोग अगर इनसे रुजू करते हैं, देखिए हर आदमी इनसे हर मसले की अगर दलील पूछने बैठेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई उकलाई काम होगा, क्या नहीं कहाँ से दलील लाएगा। लेकिन वो इसी में आसानी समझता है कि मैं मौलाना के पास जाऊँ, मौलाना से मसला पूछू, मेरा मसला हल हो, क्योंकि वो उस मैदान में नहीं जा सकता। यही देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि तकलीद का लफ्ज चाहे कितने भी अस्से में हो, लेकिन आया कुरान में इसका हुक्म है और इसका हुक्म है तीन जगह, तो वो तो देखिए उसमें तो हम ये तावील कर सकते हैं, अगर अच्छा। वो भी तकलीद की ही आयत है। अच्छा। वो अहले किताब के लिए कहा गया, लेकिन सूरह तौबा में तो बिल्कुल साफ है, फला नफरा मिन कुल फिरकतिन मिनहुम ताइफतन, कि तुम में से क्यों नहीं होते कुछ लोग, हर कौम में से एक ग्रोह एक जमात होनी चाहिए कि जो कहा जाए ले यतफक्कहु फिद्दीन, कि जो सफर करे, यानी निकले घर, फला नफरा सब निकले, इनमें से कोई एक ग्रोह, सबके लिए नहीं कहा गया, कुछ लोग निकले, लिया तफक्कहु फिद्दीन, दीन में तफक्कु करें, दीन के तलाश करें, क्यों करें? अब देखिए इसी में जवाब देगी, भले युनज़रु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि ये अपनी कौम को डराएं जब ये वापस पलट कर आए। यानी खुद रजत का लफ्ज आ गया ना, अब लफ्जी बहस में नहीं पढ़ना, लेकिन हुआ कि कुछ लोग ऐसे हों जिनकी तरफ रुजू करना चाहिए, सारी कौम नहीं जा सकती, कुछ लोग, उन यानी कुछ लोगों का दुख, ये फितरी चीज है। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, जैसे मौलिम और मुतालिम का रिश्ता है कि वो भी रुजू करता है, और हर आम आदमी जिस इल्म का माहिर नहीं होता उस इल्म के माहिर की तरफ रुजू करता है। हाँ, अंधी तकलीद मुराद नहीं है, बैत मुराद नहीं है यहाँ पे, यहाँ मुराद ये है कि मारिफ दीन, हर इंसान अगर मारिफ दीन, आप बात है 14 करोड़ आदमियों के लिए आप अगर मदरसा खोलेंगे, 14 करोड़ आदमी वो कहा बन गए, उलमा बन गए, तो आप जाहिर अभी जो सूरत हाल भुगत रहे हैं तो आगे क्या हो जाएगा। लिहाजा कहा कि नहीं, हर मैदान में कुछ लोगों को होना चाहिए, लिहाजा जिसकी जो फील्ड है उसमें भी वो मलिका हासिल करे। हाकिम शरा का तस्वीर क्या है हमारे यहाँ? हाकिम शरा उसे कहा जाता है उलिल अम्र, हमारे यहाँ तो जाहिर के इमाम मासूम के लिए उलिल अम्र की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन उमूमी उसमें भी लें तो हाकिम शरा उसी को कि जो शरा पे पूरी उबूर रखता है, और उसका हुक्म इसीलिए कि जब कहीं कुछ तय ना हो सके तो भाई इसकी तरफ रुजू करो। ये खुद तकलीद की एक शक्ल है जो फितरी तौर पे इंसान पर आती है, तो इसीलिए कि जिस मैदान में, या खुद मुश्तहिद बनो उस पर वाजिब ही। देखिए हमारे यहाँ मसला मैं आपको, तो वाजिब किस तरह से, या आप खुद मुश्तहिद बने, जो उन्होंने फरमाया कि आप खुद जिद्दोजहद की जो उस मरतबे तक पहुंच जाए, गांधी साहब ने बनाया, तकलीद हराम, कोई तकलीद नहीं उसके, जो खुद उसको हम मुजी भी कहते हैं, मुश्तहिद भी कहते हैं, या खुद के, या फिर तकलीद हराम है, हराम है, मुश्तहिद तकलीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद पहुंच गया जैसे भी फरमाया, और ये बिल्कुल एक अकली मसला है। भैया आप बन जाइए, आप ऐसे बन जाइए कि आपको सारा उबूर, देखिए कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, इसमें तो किसी को कोई कलाम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब हम अहले किताब बैठे हैं, अहले कुरान बैठे, हर चीज मौजूद है। आया हर शख्स हर हुक्म उसमें से निकाल सकता है, फिर रासिखुना फिल इल्म, इल्म कौन है? यकीनन कुछ लोगों का ऐसा होना चाहिए, बेशक अंधी तकलीद हराम है, किसी भी चीज को देख, यही इल्म दीन में जब उसको एक यकीन हासिल हो जाए अहले खुबरा से, अहले उल्म, अहले इल्म में बता दे कि हाँ ये इस मंजिल पर है कि इसका हुक्म आप मानेंगे तो आपका मसला, यानी उसको मकसद ये होता है कि आपको जो मसला दरपेश है अपनी दुनियावी जिंदगी में उससे आप निकले, उसका वो शरी हल आपको बताए, और वो उन अहकाम का हल जो उसे कुरान और हदीस में नहीं मिल रहा, यानी वो नहीं ढूंढ सकता, हर आदमी नहीं ढूंढ सकता, है मौजूद लेकिन वो नहीं ढूंढ सकता।
अब मैंने आपसे कहा ना कि कैसे अराबी ढूंढ लेगा, यानी वो आदमी रुझू करेगा मौलाना अन्नान साहब की तरफ, और वो आदमी रुझू करेगा मौलाना हामिद गांधी, और इनकी बात उसके लिए हुज्जत होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं क्योंकि ये आलिम है लिहाजा मुझे इनकी बात माननी। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्री है कमाल। और ये सिलसिला जा रहा है अइम्मा तक जा रहा है। देखिए उसमें मैं आपको बताऊँ, खुद जैसे आपने शायद फरमाया पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के दौरान ही कुछ लोगों को नियाबत दी और भेजा, जैसे मुख्तलिफ इलाके जब फतह होते थे वहाँ भेजते थे सहाबा कराम, जनाब इब्ने अब्बास जैसे शख्स को यह हक हासिल था, मौलाए कायनात यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब यमन का हाकिम बना के भेजा है, तो वहाँ उन्होंने अदालत में एक मशहूर वाकया सख्ती से काम लिया, तो लोगों ने आके शिकायत की, जिस पर गुस्सा हुआ पैगम्बर अकरम, वो गुस्सा है पैगम्बर अकरम, तुम क्या चाहते हो, तुम नहीं जानते कि अली अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में कितना सख्त है अपनी जिंदगी। फिर सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी में, फिर यानी अबान बिन तुगलक का मशहूर वाकया हमारे तो पांचवे इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम से कि आपने उसको हुक्म दिया अपने सामने मदीने में, खुद भी रहते हैं कि इजलिस फिल मस्जिद वाफ्तिन नास, बैठो मस्जिद में मदीना में जाके और लोगों के लिए।